नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान और भवन निर्माण। पानी की टंकी की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईशान कोण। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के वाटर टैंक के बारे में। क्या ईशान कोण का पानी का टंकी सुफलदायी है? अगर सुफलदायी है तो कैसे है, असुफलदायी है तो कैसे है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईशान कोण जो कि जल तत्व वाटर का पानी का स्थान है तो पानी के लिए सही है, लेकिन किस तरीके का पानी के लिए सही है वो आज हम लोग वास्तु के हिसाब से देखेंगे और समझेंगे, और उसमें साइंस को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईशान कोण का हमारे वास्तु साइंस में क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। उत्तर पूर्व का ये जो कॉर्नर है, ये जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट का स्थान कहा जाता है, ये पानी का स्थान कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है जो कि जल तत्व के वजह से बैलेंस होती है। ये जो मैग्नेटिक एनर्जी उत्तर से देखकर दक्षिण की तरफ मिलती है, और ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। यानी कि उत्तर का जो स्थान है वो बड़ा ही पवित्र पॉजिटिव एनर्जी का स्थान माना जाता है। इसलिए उत्तर का ये जो स्थान है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी का स्थान माना जाता है, इसीलिए जल तत्व का स्थान माना जाता है। यानी कि उत्तर पूर्व का कोना जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइंस की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें भारत जैसे देश हैं, सदर्न हेमिस्फेयर जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। उसका वास्तु थोड़ा सा अलग होता है। मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण ये स्थान वास्तु में हल्का स्थान होता है। तो ये स्थान वास्तु में हल्का स्थान रखा जाता है। अगर हम यहाँ भारी स्थान कर देंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी जेनरेट होने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ओवरहेड पानी की टंकी काफी भारी होती है। हम लोग जानते हैं ओवरहेड पानी का टंकी छत के ऊपर जो बनाते हैं वो काफी भारी होता है, जल का वजन काफी होता है। इसलिए उत्तर पूर्व में ओवरहेड पानी की टंकी नहीं रखते हैं, नहीं बनवाते हैं। यहाँ की पानी की टंकी रखने से जो ये मैग्नेटिक ऊर्जा बन रही थी, इस मैग्नेटिक ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होने लगता है और घर में रहने वालों को ऊर्जा नहीं मिलती है, और ऊर्जा यानी कि धन सीधे तौर पर नहीं मिलेगी अगर ईशान कोण में अगर आपने ओवरहेड पानी का टंकी बनाया। तो बात यहाँ से उत्पन्न होती है कि ये ईशान कोण जल तत्व का स्थान क्यों माना जाता है। पंच तत्व में ये जल तत्व का भी स्थान है, तो इसीलिए यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक बनाएंगे तो हेवीनेस आएगा। आप अगर मजबूरी है और यहाँ पानी की टंकी बनाना ही चाहते हैं तो भूमिगत पानी की टंकी आप बना सकते हैं। यहाँ पर भूमि के अंदर पानी की टंकी यहाँ पर बना सकते हैं, बोरिंग बनवा सकते हैं। बोरिंग के लिए वास्तु अलग से मैंने बताया हुआ है कि मर्म स्थान पर बोरिंग ना करें, खासकर जहाँ वास्तु पुरुष का सिर है वहां पर बोरिंग नहीं करें। मर्म स्थान और एग्जैक्ट बोरिंग का स्थान के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर है कि ये ईशान कोण चूंकि हल्का स्थान है इसलिए यहाँ भूमिगत पानी की टंकी अगर बनाना है बना लीजिए, ओवरहेड छत के ऊपर अगर पानी की टंकी अगर आपको बनाना है तो यहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तो उसका वजन काफी होता है। वजन ज्यादा होने से यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध से हमें मैग्नेटिक ऊर्जा मिलती है वो यहाँ रुक जाएगी, घर में वो एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी और हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर है। अब बात उठता है कि अगर किसी ने छत के ऊपर ईशान कोण में पानी की टंकी बनवा लिया है तो उसका क्या वास्तु दोष निवारण करें। तो हम लोग समझते हैं कि उसका वास्तु दोष निवारण कैसे करें। तो पानी की टंकी को यहाँ से पश्चिम, ठीक पश्चिम का स्थान जो कि जल के देवता वरुण का स्थान है, ग्रह में अगर बात करें तो शनि देव का स्थान है, ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है पानी के
ओवरहेड टैंक के लिए, तो आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर किसी कारणों से शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि नैऋत्य कोण, चूंकि आपकी पानी की टंकी ईशान कोण में है, ईशान कोण ऊंचा हो गया है आपका, तो आपका बैलेंसिंग घर का खराब हो रहा है, इसीलिए अगर आप पानी की टंकी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम में एक कमरा बनवा लीजिए या किसी तरीके से इस जगह को ऊंचा कर लीजिए, ताकि पानी की टंकी से ये स्थान ऊंचा हो जाए और जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो ये स्थान भारी हो जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक आपके ईशान कोण पर लोड कम आएगा, ईशान कोण हल्का हो जाएगा, ये स्थान को आपको भारी बनाना है, यानी कि दक्षिण पश्चिम को आपको भारी और ऊंचा बनाना है, तो ये दूसरा रेमेडी है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कॉपर वायर से मैंने वास्तु दोष निवारण पहले भी बताया है, मान लिया जाए ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है, तो पानी की टंकी की चारों तरफ कॉपर वायर से गोल घेर दीजिए, मानी के लिया जाए ये ईशान कोण में पानी की टंकी है, इस तरीके से कॉपर वायर से आप गोल घेर दीजिए, जो कि सांकेतिक रूप से ये बताता है कि पानी की टंकी को आपने अलग कर दिया, हटा दिया यहाँ से। सफेद व्हाइट कलर से पेंट कर दीजिए या सफेद कलर का टंकी लगवा लीजिए, ताकि सांकेतिक रूप से यहाँ ये बता दिया गया यहाँ पर पानी की टंकी रखने से आपका जो है वास्तु दोष नगण्य हो गया, क्योंकि सफेद कलर लगभग छिप सा गया। दूसरी बात है कि यहाँ कोशिश कीजिए कि पानी की टंकी जो भी रखी हो उसमें कभी लीकेज ना हो, साफ सुथरा हो, ईशान कोण में पानी की टंकी है तो यहाँ पर पानी गंदे कार्यों के लिए इस्तेमाल ना हो, यहाँ शौचालय का निर्माण ना करवाएं, क्योंकि ईशान कोण में शौचालय भी नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी वास्तु दोष का जो है वास्तु से रिलेटेड आप पॉइंट को याद रख सकते हैं। ईशान कोण में पानी की टंकी है, वहां पर निगेटिव एनर्जी बन रही है क्योंकि पानी की टंकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं बनने दे रहा है, तो प्रकृति ने हमें वरदान दिया है निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए पौधे के रूप में, तो बहुत सारा पेड़ है जो कि ईशान कोण में आप लगा सकते हैं, तुलसी, एरिका पाम, जेट प्लांट, बम्बू प्लांट, पीस लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, ये जितने भी प्लांट हैं ये नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदल देता है। तो दोस्तों आप चाहे इनमें से कोई भी सही प्लांट लगा लें, अगर आपके पास जगह है तो जमीन में लगा सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो गमलों में पानी की टंकी के पास लगा सकते हैं, उस स्थान को साफ सुथरा रखिए, ईशान कोण में पानी का टंकी है, चूंकि ये भगवान शंकर का स्थान है, पूजा स्थान है, तो इस स्थान को साफ सुथरा रखिए, ग्रीनरी बनाए रखिए, हरे भरे पौधे रखिए, लिखित कोशिश कीजिए कि उस स्थान पर हमेशा पानी की लीकेज ना हो, शौचालय ना हो, रसोई नहीं हो, बस सारा वास्तु दोष आपका दूर हो जाएगा। पानी की टंकी है भी तो ये वास्तु दोष निवारण हो गया बिना तोड़ फोड़ के। मैं बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु दोष निवारण कर देता हूँ दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।